19 कैलेंडर सूरज बड़तिया, जन्म सन 1974। सूरज बड़तिया का जन्म पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर में हुआ। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा नांगलोई में पाई। उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की। वर्तमान में वे दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। सन 1997 से कविता लेखन कर रहे हैं। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं में समीक्षा, कहानियां, कविताएं, लेख आदि प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त संघर्ष, युद्धरत आम आदमी, दलित अस्मिता आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। सूरज बड़तिया मूल रूप से दलित साहित्यकार है। अनेक कहानी संग्रह कॉमरेड का बक्सा का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी मुख्य कृतियां है दलित साहित्य पक्ष प्रतिपक्ष, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बाबू मंगूराम। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से आदिवासी महिला, दलित महिला, किन्नर समुदाय और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का वर्णन है। प्रस्तुत कविता कैलेंडर में एक विध कार्य से उबे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निरसता का वर्णन है। कैलेंडर की तरह रोज अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं लगता। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर। कवि जीवन में व्याप्त निरसता से त्रस्त है। वे कहते हैं कि घर और दफ्तर दोनों जगह कैलेंडर टंगे हैं। उसे देखकर मुझे अपने दिन भर के कार्यों की याद आती है। मैं रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से सीधे घर आ जाता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही काम रह गया है। दिन महीना बदलता जाता है और बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ। कवि कहते हैं कि जीवन यंत्रवत हो गया है। एक दिन जाता है, दूसरा दिन आ जाता है। एक महीना बीतता है और दूसरा महीना आरंभ हो जाता है। दिन महीने बदलते जाते हैं, महीने के साथ कैलेंडर का पन्ना भी बदल जाता है। कवि कहते हैं कि वे भी प्रतिदिन कैलेंडर के पन्ने की भांति बदल जाते हैं, पर कुछ भी नया नहीं। उसी पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतजार करता हूँ। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ नयापन बिल्कुल नहीं है। अपने पुराने एहसास के साथ रोज सूर्यास्त होने पर वे सुबह की उम्मीद में नएपन का इंतजार करते हैं। पर क्या करूं सूर्योदय के साथ, फिर वही काम और फिर से इंतजार तुम्हारा। यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने। कवि अपनी मजबूरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनके सामने कोई चारा ही नहीं है। सूर्योदय होने पर फिर वही काम शुरू होना है। कवि कहते हैं कि उनके यंत्रवत जीवन में शुष्कता आ गई है। उन्हें भली भांति इस बात की जानकारी है कि उनके जीवन की यह शुष्कता दूर करने के लिए उनके जीवन में नयापन, नई चेतना बिल्कुल नहीं आने वाली है। तब भी उन्हें इसका फिर से इंतजार है।